ये देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं शिमला के स्कैंडल पॉइंट की, हाई ग्रेड की गाड़ियां आप देख रहे हैं स्कैंडल पॉइंट के पास। यहां पर सुबह सुबह एक आगजनी की घटना हुई है, मौके की तस्वीरें भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये देखिए, ओ आग लगी है। देखिए ये स्कैंडल पॉइंट के पास आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, और ये देखिए कितने डिस्टेंस है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। यहाँ जो है वो तंग रास्ते के कारण नहीं पहुँच पाई है, और ये देखिए BSNL स्टाफ क्वार्टर के पास ये आगजनी की घटना हुई है। ये देखिए ये मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम तो अंदर घुस गए। BSNL वालों के मिक्स है। ये देखिए BSNL के क्वार्टर हैं यहाँ पे, ये आग लगी है। पोस्टल वालों के भी क्वार्टर हैं। ये देखिए ये मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये मौके की तस्वीरें हैं, फायर ब्रिगेड मौके पर है और आग पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। देखिए धुआं देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए ये देख सकते हैं आप सरकारी आवास ये है क्वार्टर। ये देखिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है, और ये देखिए धुआं आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धुआं उड़ रहा है और यही बनता है। कितनी जैसी आग की घटना कब, कितने कमरों में लगी? पता नहीं भाई, हमने तो अभी देखी। कितने कमरे? एक घंटे पहले। कितने कमरे? चार पांच कमरे। किचन सिलेंडर क्या कोई शॉर्ट सर्किट या पता नहीं, कारण नहीं लगा अभी पता। ये देखिए कारण पता नहीं अभी। ये देखिए 4 से 5 कमरे हैं जो आग की जद में आए हैं। सरकारी आवास यहाँ पर ये स्थित है स्कैंडल पॉइंट के पीछे। ऊपर का जो मैं ठीक है जनाब। ये देखिए सिलेंडर बाहर इन्होंने निकाले हैं, और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें आप देख सकते हैं। आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, और धुआं देख सकते हैं आप। धुआं सरकारी आवास है ये, BSNL और पोस्टल विभाग वालों के यहाँ पर ये कॉलोनी है। ये देखिए और धुआं आप देख सकते हैं, और ये खिड़कियां देख सकते हैं किस तरह से पूरी की पूरी जो है वो जल गई है आग की चपेट में आने से। हालांकि अभी कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन काफ़ी भयानक ये आग थी जो फ्लोर पर जाकर होती है। पानी का प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है।
ये देखिए आप लोग भी यही रहते हैं? हम तो आस पड़ोस में रहते हैं, मतलब गाड़ी चलाते हैं। अब तो क्या बोला, शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी को? नुकसान खाली घर का है, अंदर का। घर का एक फ्लोर में ही या दो में पहुंच गई? दो फ्लोर में पहुंच गई थी। फिर देखिए दो फ्लोर में ये पहुंच गई थी। मौके पर लोग पहुंचे, जैसे इनको जानकारी मिली आस पड़ोस में रहते हैं। और ये देखिए कितना जो है वो जल गई है खिड़कियाँ, क्योंकि पुराना मकान है, लकड़ी से बना हुआ है। ज़्यादातर इस्तेमाल लकड़ी का किया गया है। पहले जितने भी मकान बनते थे ज़्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि घर में जो है वो ठंड सर्दी के मौसम में ना फील हो। और ये देखिए काफ़ी भयानक ये आग थी। दो फ्लोर में जाकर जो है वो नुकसान हुआ है। 4 से 5 कमरे जो है बताए जा रहे हैं कि इसके अंदर जल गए हैं। और ये देखिए तीन खिड़कियां तो आप देख ही रहे हैं जो पूरी तरह से जल गई है। और ये ऊपर वाला फ्लोर है, ये देखिए इस पे भी आग जो है ऊपर पहुंच गई है। ये देखिए फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची है और लगभग अब आग पर काबू पा लिया गया है। और कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लेकिन नुकसान जो है वो सामान जितना अंदर था उसको निश्चित तौर पर हुआ है। ये देखिए दो फ्लोर तक जो है आप ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं 4 खिड़कियां आपको ऊपर नजर आई जो खुल गई हैं। और देखिए काफी मतलब आप जो काबू पा गए फायर वाले लग गए नहीं। तो ये अभी भी धुआं जो है वो निकल रहा है, काफी मेहनत की आगजनी थी। देखिए मौके की तस्वीरें हम आपको आग भी दिखा रहे हैं और काफी भयानक की आगजनी थी, लेकिन समय पर काबू पा ली। वरना पूरी पूरा का पूरा ये भवन जो है कहीं ना कहीं इसकी जद में आ सकता था। और ये देखिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर। और अरे यहाँ रहते आप? हाँ ये देखिए जो है से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक जो है ये आग वीडियो भी देख सकते हैं आप किस तरह से जो है यहाँ पर आपको जो है बुझाया जा रहा है धुआं। हालांकि अभी निकल रहा है फिलहाल, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बड़ी स्पीच के बाद धन्यवाद। मैं
ये देखिए मौके की तस्वीर पर जो है वो काबू यहाँ पर पा लिया गया, लेकिन दो फ्लोर देख सकते हैं आप, दो फ्लोर में ये काफ़ी नुकसान यहाँ पर आगजनी के कारण हुआ है और लोग जो इसमें रह रहे थे उनका पूरा जो सामान है वो जल गया है। ये देखिए तस्वीर मौके की। थोड़ा साइड हो जाए, थोड़ा साइड हो हटो हटो जी जरा थोड़ा पीछे हेलो लाइट लाइट नहीं पुलिस लगी वही मैं बोल रहा हूँ। और लगभग अब आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। ये देख सकते हैं आप दो फ्लोर इसकी जद में आए हैं, दो फ्लोर को ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये देखिए अब आग पर कंट्रोल यहाँ पर पा लिया गया है। ये देखिए ये यहाँ पर रहते थे, ये देखिए इनको कनेक्शन कोड नहीं काम पे। और ये देख सकते हैं आप सिलेंडर समय पर जो है वो बाहर निकाल लिए थे। और बहुत बड़ा ये भवन है, अगर समय पर काबू नहीं पाया जाता तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था। ये देखिए तस्वीरें, अभी भी धुआं अंदर से निकल रहा है। ये देखिए दो फ्लोर में जो इसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है और धुआं देखिए आप अभी भी निकल रहा है। हालांकि अब कंट्रोल कर लिया गया है आग को, लेकिन अभी भी धुआं देख सकते हैं आप अंदर से, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ मकान है, पुराना मकान है और पहले ज़्यादातर मकानों में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था ताकि सर्दी के समय में जो है ठंड ज़्यादा ना हो। और ये देखिए धुआं अभी भी चल रहा है, लाखों का नुकसान इसमें हुआ है। सरकारी आवास ये थे और देख सकते हैं आप तस्वीरें। तो फिलहाल आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, बने रहे पंजाब के सही मसल के साथ।